महाराजगंज शहर के बीआरसी प्रशिक्षकों का दिन भर जमावड़ा रहा, जहां एडमिट कार्ड पाने को लेकर सुबह से लेकर रात के 6-8 बजे तक शिक्षकों को आज शनिवार को एडमिट कार्ड मिल गया। कल पटना में 8:30 बजे परीक्षा केंद्र पर एंट्री का समय है, ऐसे में जो शिक्षक है 130 से 140 किलोमीटर की यात्रा अब से कैसे करेंगे ये तो वही जाने, लेकिन दिन भर बीआरसी ऑफिस पर शिक्षकों का जमावड़ा लग रहा है। महिला शिक्षिकाओं की अलग परेशानियां हैं। आज फिर एक बार सरकारी व्यवस्था की पोल खुल गई है, ज्यादा क्या कहा जाए, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि गया की सरकारी व्यवस्था लूज पूज जरूर है। जानकारी के लिए बता दें कि क्षमता परीक्षा क्या है, ये परीक्षा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा को क्षमता परीक्षा कहा जाता है। शिक्षक है और इतनी रात तक अभी आप बीआरसी पर ठहरी हुई है, क्या मामला है, क्यों ठहरी हुई है? सर एडमिट कार्ड के लिए, और हम लोग को पहुंचना है पटना 8:30 में एंट्री है, और हम लोग कैसे अब दे पाएंगे, इसी वजह से इतनी देर तक खड़े हैं। आप महिला हैं, कितनी परेशानियां होगी अभी तक? आप तो बहुत है, बताइए, अब रात हो गया है, हम लोग को कैसे हम मने पहुंचेंगे, हम तो यही सोच रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? सीमा देवी। आप शिक्षक है, इतनी रात तक अभी तक आप बीआरसी पर ठहरी हुई है, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। सर हम लोगों का भी एडमिट कार्ड में सिग्नेचर नहीं हुआ है, और जब तक सिग्नेचर नहीं होगा तब तक हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो हमारी ये परेशानी है कि हमारा पटना 8:30 बजे वहाँ पहुँचना है सेंटर पे, बट अभी तक मैं सुबह 11 बजे से यहाँ पे खड़ी हूँ, क्योंकि मैं अकेली महिला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, परेशान हूँ। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम शीला देवी। आप शिक्षक है और बीआरसी पर इतनी रात तक अभी तक आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या मामला है बताइए। कल सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है पटना, और अभी रात को 8 बजे तक हम लोग सभी शिक्षक अभी यहाँ आया है डीपीओ के सिग्नेचर होकर एडमिट कार्ड आने का इंतजार में, अभी तक किसी को एडमिट कार्ड नहीं। बताइए कब हम लोग पटना जाएंगे, कब एग्जाम देंगे? अगर रात को जो शिक्षक सो नहीं पाएंगे और सुबह जाके एग्जाम क्या दो, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके सो जाएंगे, एग्जाम कैसे देंगे? क्षमता परीक्षा का एग्जाम है शिक्षक नियोजित शिक्षकों का, और अभी रात को 8 बजे तक बीआरसी में सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिला से साइन होकर आएगा और हम लोग एडमिट कार्ड लेकर। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं नियोजित जो अपने गाड़ी लेकर आए हैं कि रातों रात हम जाएंगे पटना और वहां पहुंचकर कल सुबह का एग्जाम है, और थके थके क्या एग्जाम देंगे, क्या कर पाएंगे, आप खुद ही आपके सामने है सारा सकते। कल के परीक्षा के लिए आप लोग यहाँ अभी बीआरसी पे ठहरे हुए हैं, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। मामला यही है कि यहाँ बीआरसी में तो सबसे पहली बात है कि बीआरसी के ना बीओ साहब है, ना कोई यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी कोई नहीं है, ना हम लोगों को बताया जाता है कि कितने समय तक हम लोगों का एडमिट कार्ड मिलेगा। केवल गुमराह किया जा रहा है कि 1 घंटे में मिलेगा, 10 मिनट में मिलेगा, 15 मिनट में मिलेगा, अब कब मिलेगा, हम लोग कब पटना जाएंगे, कब रिपोर्टिंग करेंगे, इसका कोई मैंने यहाँ पे कोई जवाब देने वाला नहीं है। नाम बताइए। मेरा नाम संजीव सौरभ।